नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज कोच हूं और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। अभी आप देख सकते हैं, आज मैं एक बहुत ही खास डिश बनाने वाला हूं और इस डिश का नाम है बीट रूट चिला। तो बीट रूट चिला एक बहुत ही शानदार ब्रेकफास्ट हो सकता है आपके लिए, और खास करके जिनको डायबिटीज है उनके लिए एक बहुत ही अच्छा डिश हो सकता है ब्रेकफास्ट के लिए। क्योंकि काफी लोग मेरे से पूछते हैं कि नाश्ते में क्या खाए, नाश्ते में क्या खाए, उनको समझ में ही नहीं आता है कि नाश्ते में क्या खा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे चीज है जो आप नाश्ते में खा सकते हैं, लेकिन जब तक आपको पता नहीं चले, जब तक आपको पता नहीं है कि आप कैसे बनाना है, तो आपको बहुत मुश्किल होती है। तो इसलिए आज मैं आप लोग को सिखाने जा रहा हूं कि बीट रूट चिला कैसे बना सकते हैं और डायबिटीज के मरीज इसको आसानी से खा सकते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से आप अपने घर में बना सकते हैं। तो बने रहे मेरे साथ और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज कोच हूं और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। आज मैं आप लोग को सिखाने जा रहा हूं कि बीट रूट चिला कैसे बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बीट रूट चिला बनाने के लिए आपको बीट रूट चाहिए। तो सबसे पहले आप दो बीट रूट ले लीजिए। बीट रूट को उसको पहले अच्छी तरह से बॉयल कर लीजिए। 5 से 10 मिनट के आसपास आप उसको बॉयल करिए। बॉयल करके उसके पानी अलग से निकाल दीजिए। पानी अलग से निकाल के फिर बीट रूट को थोड़ा सा ठंडा करिए। बीट रूट को ठंडा करके फिर उसको थोड़ा सा मिक्सी में पीस लीजिए। जब आप इसको मिक्सी में पीसेंगे तो एक प्यूरी जैसा बन जाएगा, और पीसने के बाद फिर आपको इस तरह से आपको दिखेगा। ये देखिए, इस तरह से बीट रूट बनेगा, इस तरह से बीट रूट का प्यूरी बनेगा। ये देखिए, तो मैंने इसको पीस के रख लिया है। इसके साथ आपको चाहिए होगा प्याज। प्याज को भी 2-3 प्याज आप ले सकते हैं। प्याज को छोटे छोटे काट के उसको भी आप पीस लीजिए। पीसने के बाद ये देखिए, प्याज इस तरह से लगेगा। ये है प्याज। अगर आप प्याज नहीं खाते तो प्याज डालना कोई जरूरी नहीं है। इसके बाद आपको चाहिए होगा थोड़ा सा घी। मैंने इस बाउल में घी ले रखा है। और आपको चाहिए थोड़ा सा बेसन। ज्यादा बेसन नहीं लेना है क्योंकि इसमें अच्छा खासा कार्ब हो जाएगा, तो इसलिए ज्यादा नहीं लेना है। और साथ ही चाहिए आपको प्रोटीन पाउडर। ये देखिए, व्हे प्रोटीन पाउडर आइसोलेट, ये अनफ्लेवर्ड है, इसमें कोई फ्लेवर नहीं है। तो हम इसको लेके भी बनाएंगे और धीरे धीरे करके मैं आपको समझाऊंगा कि ये सारे इन्ग्रीडियंट्स क्यों चाहिए। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं 2 चम्मच बेसन। सबसे पहले हम 2 चम्मच बेसन ले लेते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये मैं पूरे परिवार के लिए बना रहा हूँ, मैं अपने अकेले के लिए नहीं बना रहा हूँ, तो हम सब मिलके खाएंगे। तो पहले 2 चम्मच बेसन ले लेते हैं। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि 2 चम्मच बेसन जो मैं मिला रहा हूँ वो मैं अकेले खाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो 2 चम्मच बेसन मैंने ले लिया है। इसमें मैं पूरा ये डाल देता हूँ, जो बीट रूट प्यूरी है, ये आप बीट रूट प्यूरी डाल दीजिए इसमें। इसमें आप जो प्याज लिया है प्याज भी डाल दीजिए। ये मैंने प्याज भी मिला लिया। और इसमें मैं मिलाऊंगा 1 स्कूप वे प्रोटीन। ये देखिए, ये 1 स्कूप वे प्रोटीन है, ये मैं इसमें मिला दूंगा। अब इसमें मिलाना है मुझे थोड़ा सा मसाला। मसाले के लिए आपको थोड़ा सा चाहिए हल्दी। ये हल्दी मैंने ले लिया, थोड़ा सा हल्दी मिला लिया। उसमें थोड़ा सा आप नमक मिला लीजिए स्वाद अनुसार। थोड़ा सा नमक आपने मिला लिया, ज़्यादा मत मिलाइए नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा सा लाल मिर्च मिला लूँगा, ये लाल मिर्च है, थोड़ा सा लाल मिर्च, इससे अच्छा कलर आएगा, थोड़ा सा तीखापन भी आ जाएगा। थोड़ा लाल मिर्च मैंने मिला लिया। इसमें मैं थोड़ा सा जीरा धनिया भी मिला लेता हूँ। जीरा धनिया ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा ही चाहिए। और थोड़ा सा गरम मसाला, ये गरम मसाला है मेरे पास, थोड़ा सा मैंने इसको मिला दिया। और हल्का सा मैं कसूरी मेथी भी इसमें डाल दूंगा, ये कसूरी मेथी है। तो देखिए, मेरे पास ये 1 ग्लास बीट रूट का पानी है जो बॉयल किया था, मैंने पानी रख लिया। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो इसमें डालूंगा। ये डिपेंड करता है कि आपकी कंसिस्टेंसी कैसे बन रही है। तो चीला जैसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो अगर इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो पतला करने के लिए मुझे ये पानी डालना पड़ेगा। हो सकता है कि ज़रूरत भी ना पड़े, तो अब मैं इसको मिलाने जा रहा हूँ। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिला दूंगा। ये देखिए, अच्छी तरह से इसको आप मिलाएंगे। हो सकता है कि आपको पानी की ज़रूरत ना पड़े। अच्छी तरह से मिलाना है, मिलाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर
किसी जगह पे नमक थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, किसी जगह पे कम हो जाएगा, तो इसीलिए इसको अच्छी तरह से मिलाना है। तो देखिए ये बहुत ही बढ़िया कंसिस्टेंसी का बन गया है, मुझे पानी की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए आप पानी मत डालिए, क्योंकि बीट रूट से भी पानी निकलता है, प्याज जो आपने डाला उससे भी आपको हल्का फुल्का ये मिलेगा। तब तक मैं तावे को गर्म कर लेता हूँ, ये तावा गर्म हो जाएगा थोड़ा देर के लिए, और तब तक मैं थोड़ा सा इसको और मिला लेता हूँ अच्छी तरह से। ये बहुत ही बढ़िया कंसिस्टेंसी का बन गया है, ये देखिए आप, बहुत ही बढ़िया कंसिस्टेंसी का हो गया। तब तक अच्छी तरह से आप मिलाइए इसको, और देखिए इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा आपको पतला करना है तो आप इसको डाल सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। और ये एक बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी हो सकता है, जिसको भी डायबिटीज़ है वो बिल्कुल इसको खा सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा घी डाल देता हूँ अभी इसमें, हल्का सा मैं घी डाल देता हूँ, इसको घी डाल के थोड़ा सा आप इसको हिला लीजिए ताकि अच्छी तरह से फैल जाए। थोड़ा सा इसको गर्म होने देते हैं, अब मैं इसको यहाँ पे डाल दूँगा। इसको डाल के आप थोड़ा सा इसको हिला लीजिए, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि पानी डालना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से बन रहा है मैं थोड़ा सा पानी डाल देता हूँ तो चीला जैसा बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। तो मैंने थोड़ा सा और पानी डाल दिया, तो ये आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि पानी की ज़रूरत है या नहीं है। इसको आज थोड़ा सा कम कर ले, नहीं तो नीचे से जल जाएगा। इसको एक साइड थोड़ा सा पकने दीजिए, अगर नहीं पकेगा तो आप इसको पलटेंगे तो फिर वो टूटने का चांस रहेगा। तो ये देखिए एक साइड आप जब ऐसे हिलाएंगे तो आप देख सकते, तब आपको पता चल जाएगा कि आप इसको पलट सकते हैं। आप इसको पलट दीजिए और ये देखिए कैसे खूबसूरत बन रहा है, ये बहुत ही बढ़िया बनेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको ये चीला खाने में। और सबसे खास बात यह है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बहुत ही कम है, तो जिनको भी डायबिटीज़ है वो बिल्कुल खा सकते हैं, आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। तो ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है, और शायद ही आपने ये चीला कभी खाया होगा। तो ये दूसरे साइड भी मैं पकने दे रहा हूँ, तो दूसरे साइड भी ये थोड़ा सा और पकने देते हैं, इसको अभी पका नहीं है। तो एक चीला आपको एक दो मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो ये देखिए कितने सारे मैंने ले रखा है, तो ये पूरा परिवार के लिए आप बना सकते हैं, सारे लोग मिलके खा सकते हैं। तो इसको मैं पलट देता हूँ, ये देखिए इसको मैंने पलट दिया, और देखिए कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। थोड़ा सा इसमें ऐसे प्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो फिर इसका अंदर का जो पानी है वो भी निकल जाएगा, फिर खाने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये देखिए ये मेरा चीला लगभग तैयार हो गया है, और इसको मैं डालता हूँ यहाँ पे, और ये देखिए कैसा लग रहा है ये चीला, बहुत बढ़िया, कितना खूबसूरत लग रहा है। अब मैं एक और चीला बना लेता हूँ, इसमें मैं थोड़ा सा और घी डाल देता हूँ, ज़्यादा घी नहीं चाहिए आपको, बस इतना घी आपने डालना है कि नीचे ना लग जाए, ये देखिए। और इसको थोड़ा सा हम गर्म होने देते हैं, और जो पहला आप बनाएंगे उससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितना कंसिस्टेंसी आपको चाहिए, पानी डालना है नहीं डालना है, वो पहला जब आप डालेंगे उससे आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो अब मैं दूसरा बनाता हूँ, दूसरे में ऐसे आप डाल दीजिए, ऐसे डाल के फिर इसको आप थोड़ा सा ऐसे हिलाते रहना तो पतला हो जाएगा अच्छा खासा। तो अब मैं समझाता हूँ कि ये सारे चीज़ मैंने क्यों लिया। तो सबसे पहले देखिए मैंने बेसन लिया है, बेसन से आपको वो बाइंडिंग इफेक्ट आ जाएगा, ये टूटेगा नहीं, और इसमें कार्ब अच्छा खासा होता है, तो इसलिए ज़्यादा नहीं लेना है। मैंने दो चम्मच लिए, तो पूरे परिवार मिल के खाएंगे तो आपको उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा बेसन। और मैंने प्रोटीन पाउडर इसलिए लिया, प्रोटीन पाउडर से क्या है ये अनफ्लेवर्ड है, तो किसी के साथ भी आप मिला सकते हैं। तो बेसन से थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट, थोड़ा प्रोटीन मिल जाएगा। इसमें पूरा का पूरा प्रोटीन है और कुछ नहीं है, प्रोटीन पाउडर में सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोटीन मिलेगा। इसको मैं थोड़ा सा कम आँच कर देता हूँ, आँच ज़्यादा रखेंगे तो नीचे से जल जाएगा, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ऊपर से आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कब पलटना है कब नहीं है। तो अभी टाइम नहीं हुआ है, थोड़ा सा इसको और पकने देते हैं, आँच कम रखना नहीं तो जल जाएगा। तो प्रोटीन आपको मिल जाएगा,
इससे भी बेसन से भी थोड़ा बहुत प्रोटीन मिल जाएगा, प्याज से आपको थोड़ा टेस्ट मिल जाएगा, ये मसाला जो डाला है इससे भी आपको थोड़ा सा टेस्ट के लिए है, और जो बीट रूट लिया है इससे आपको फाइबर मिलेगा, एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा, विटामिन्स मिलेगा, मिनरल्स मिलेगा, और जो घी डाला है मैंने इससे आपको फैट मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये एक पूरा बैलेंस्ड मील है जिसमें आपको प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स सारे चीज़ आपको मिलेंगे। तो ये एक बैलेंस्ड डाइट है। आप देखिए इसको, थोड़ा सा इसको मैं पलटूंगा, धीरे धीरे करके पलटना है आपको, नहीं तो टूटने का डर है। ये देखिए, तो आप देखिए, आपसे मैं बात कर रहा था तो ये नीचे से थोड़ा सा जल गया है, तो कोई बात नहीं, आपने ये ध्यान रखना है कि जलना नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जल गया, कोई इशू नहीं है, दूसरा एक और बना लूँगा, उसमें नहीं जलाएंगे, उसमें मैं बहुत जल्दी जल्दी बढ़िया से बनाएंगे। तो पहला वाला बहुत बढ़िया बना था, दूसरा वाला आपसे मैं बात कर रहा था तो थोड़ा आज ज़्यादा हो गया था, तो ये थोड़ा सा जल गया है, तो बस खाने लायक है, फिर भी कोई इशू नहीं है। अब इसकी थोड़ा सा आँच बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा जला हुआ भी शायद आपको अच्छा लगे, तो अगर आपको थोड़ा सा जला हुआ अच्छा लगता है तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। आइए अब एक और बना लेते हैं जो थोड़ा सा जलाएंगे नहीं, तो इसमें थोड़ा सा घी डाल दीजिए और इसको मिला लीजिए। प्रोसेस वही है, जो खाना बनाना नहीं जानता है वो भी बना सकते हैं, प्रोसेस वही है। आप इसमें डाल दीजिए और इसके बाद इसको अच्छे से मिला लीजिए और इसमें फिर आप डालिए और फिर इसको खिला लीजिए। तब तक मैं थोड़ा सा पहला वाला टेस्ट कर लेता हूँ कैसा बनाइए। देखिए, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट है, बहुत ही फीलिंग रहेगा। आप इस चिले को खाएंगे तो आपको पूरा दिन आपको और कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है, और इसमें मैंने थोड़ा सा तीखा बना दिया है, तो आप उतना तीखा मत बनाइए तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो स्वाद अनुसार आपने डालना है जो मिर्चा मैंने डाला था। बहुत बढ़िया, थोड़ा सा जला है लेकिन फिर भी खाने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए, बहुत बढ़िया, ये देखिए, ये मेरे को उम्मीद है कि ये जला हुआ नहीं होगा, और इसको पलट देते हैं और ये देखिए हल्का सा काला हो जाएगा, लेकिन उसमें घबराना नहीं है, टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखिए, मैं टेस्ट करके दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको आँच कम रखना है, ज़्यादा आँच नहीं देना है, नहीं तो नीचे से जल जाएगा। तो गाइस, ये देखिए मेरा तीसरा चीला भी तैयार हो गया है, और इस तरह से आप ये सारे चीला अपने पूरे परिवार के लिए बना सकते हैं। मिल के आप इसको ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, अगर आप ब्रंच करना चाहते हैं तो आप ब्रंच में भी खा सकते हैं, और ये एक बहुत ही न्यूट्रिशियस, बहुत ही हेल्दी, और सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाएंगे। तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर ट्राई करें, और ख़ास करके जिनको डायबिटीज़ है वो बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ये चीला आपको कैसा लगा, और ये मेरा तीसरा चीला भी बन गया। अब मैं अपने बेटे को भी ट्राई करा लेता हूँ, जो पहला बनाया था वो मैं अपने बेटे को ट्राई कराता हूँ। ये देखिए, मैं अपने बेटे को भी ट्राई करा देता हूँ। ओके, हैव दिस, हाउ इज इट, टेल मी हाउ इज इट, यम्मी? नॉट यम्मी, डिलीशियस। ओह, इट इज नॉट यम्मी, इट इज डिलीशियस। ओके, टेक टेक दिस, ईट दिस, यू लाइक इट, शो योर थम्स अप इफ इट इज अ गुड डिश। ओके, थैंक यू। सो दोस्तों, ये था एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी। मीठा है, अच्छा लगा? तो दोस्तों, ये था एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिश, आप भी ट्राई कर सकते हैं। मैं बाकी बना लेता हूं और उसके बाद मैं भी इसको खाता हूं। तो आप लोग भी इसको ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ये डिश आपको कैसा लगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।